हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा बीजी सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करें। तो दोस्तों, आप लोग इंटरेस्ट का अर्थ जानते होंगे कि इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। तो बहुत सी बार क्या होता है, आपकी पार्टी आपको लेट पेमेंट करती है तो आप उनके अकाउंट में ब्याज जोड़ देते हो, और जैसे आपने अपनी पॉलिसी बना रखी है कि अगर 1 मंथ में पेमेंट करते हो तो आपके अकाउंट में 1.5% ब्याज आपके खाते में जोड़ दूंगा, तो आपको इसकी एंट्री बीजी सॉफ्टवेयर में कैसे करनी है। दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है, जो किसान लोग होते हैं तो क्या है, जो भी माल लेते हैं, जैसे वो खाद लेते हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनके पास 6 महीने में पेमेंट आता है या कोई 4 महीने में वो पेमेंट देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि उनको इंटरेस्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि इतने टाइम तक वो क्रेडिट नहीं दे सकते। तो दोस्तों, आपका बिजनेस कोई सा भी हो, अगर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना चाहते हैं बीजी सॉफ्टवेयर में, तो इस वीडियो को देख के आप कर सकते हो। तो दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको क्या करना है, बीजी सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होता है, उसको अनेबल करना होता है, अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट। दूसरा, आपको पार्टी अकाउंट में इंटरेस्ट का परसेंटेज एंटर करना होता है। थर्ड जो अपना ऑप्शन है, रिपोर्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो दोस्तों, इसमें जिस पार्टी से भी आपको पेमेंट लेना है तो क्या है, उसमें उसकी रिपोर्ट देखने के लिए आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, कितना परसेंटेज, कितना डेट है उसकी, कहाँ तक आप उसका इंटरेस्ट लगाना चाहते हो, ये सारी रिपोर्ट में आप देख सकते हो, बिल रिसीवेबल और वहाँ पे डेट आपको एंटर करनी होती है। फोर्थ, इसका जो ऑप्शन है, इंटरेस्ट अमाउंट पोस्ट एंट्री इन पार्टी अकाउंट। तो दोस्तों, अगर आपके किसी भी पार्टी से कोई इंटरेस्ट लेना है, उसका टोटल इंटरेस्ट जितना भी हुआ है, तो उसकी एंट्री कैसे आपको पोस्ट करनी है, बीजी सॉफ्टवेयर में आप मैनुअल तरीके से भी कर सकते हो, और बीजी सॉफ्टवेयर में जैसे आप उस एंट्री को पोस्ट करने का तरीका इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है, इसका जो तरीका है ऑटोमेटिक भी है और आप मैनुअल तरीके से भी पोस्ट कर सकते हो। 5 नंबर का जो अपना टॉपिक है, चेक पेंडिंग आउटस्टैंडिंग विद इंटरेस्ट लिस्ट। तो दोस्तों, अगर किसी भी पार्टी की तरफ अगर आपके 5 बिल बाकी है, कोई 4 बिल बाकी है, जैसे आप इंटरेस्ट की एंट्री पोस्ट कर देते हो तो उसके बाद उसका पैसा कितना बाकी है वो लिस्ट भी आप देख सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप बीजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैंने बीजी सॉफ्टवेयर की काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है, और जितनी भी वीडियो है सारी बीजी सॉफ्टवेयर की है। तो एक बार अगर चैनल पे आप नए हो तो वीडियो ज़रूर देखें। तो ले चलता हूँ मैं अपने बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर, और ये जो मैंने आपके लिए पॉइंट बताए हैं इसको देखते हुए बीजी सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, मैंने आपके लिए बताया था कि इंटरेस्ट का ऑप्शन अनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, कॉन्फिग्रेशन पर आपको क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे जो अकाउंट्स का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट, इस पर आपको टिक मार्क करना है और यहाँ से कर देना है आपको ओके। तो दोस्तों, ये ऑप्शन आपने अनेबल कर दिया है। इसके बाद आपको सेकेंड कॉन्फिग्रेशन आपको क्या करनी है, जैसे जिस पार्टी के नाम से भी आप बिल बनाना चाहते हो, यानी मैंने एक पार्टी का बिल बना रखा है, एक बार मैं रिपोर्ट आपके लिए बता देता हूँ कि किस पार्टी के नाम से बना रखा है। राधिका जनरल के नाम से कोई पार्टी है, उसके मैंने बिल बना रखे हैं, तो राधिका जनरल का मुझे अकाउंट मॉडिफाई करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आप देख सकते हो कि इसका जो अकाउंट है सनरी डेटर्स में खुला हुआ है, यानी आपका ये कस्टमर है। इंटरेस्ट रेट रिसीवेबल, तो यहाँ पर आपको जितना भी परसेंट, यानी ये ईयरली होता है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको एंटर कर देनी है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ, यानी 1 महीने का 1%, 12 महीने के 12%, यानी 1% इंटरेस्ट आप लोगे अगर लेट पेमेंट करते हैं तो। तो यहाँ से 12% मैंने एंटर कर दिया है, इसके बाद मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद दोस्तों, जो मैंने बिल बना रखे हैं, यानी इस पार्टी के लेजर में मैंने जो बिल बना रखे हैं, आप देख सकते हो कि इस पार्टी के नाम मैंने 4 बिल एंटर कर रखे हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन आपने
जैसे फर्स्ट मैंने आपके लिए बताया था कि बीजी सॉफ्टवेयर में ऑप्शन को अनेबल करना है अकाउंट वाइज इंटरेस्ट, ये आपने अनेबल कर दिया है। सेकेंड है पार्टी अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड करना, वो भी आपने ऐड कर दिया है। थर्ड जो अपनी रिपोर्ट है, रिपोर्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो दोस्तों ये रिपोर्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन नज़र आएंगे, तो आपको यहाँ पे जो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है बिल रिसीवेबल, यानी आप उस पार्टी की डिटेल यहाँ पे देखना चाहते हो जिसके लिए आपने माल बेचा है, तो यहाँ से बिल रिसीवेबल आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने वन अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप राधिका जनरल का जो अकाउंट देखना चाहते हो कि उसका कितना ड्यू है और कितना इंटरेस्ट आप लगाना चाहते हो, तो दोस्तों यहाँ पे जो परसेंटेज है, अब पार्टी के अंदर आपने जो परसेंटेज क्लिक किया है यानी 12% वहाँ पे एंटर किया है, तो यहाँ पे आप जीरो कर दोगे तब भी आपका 12% ऑटोमेटिक लेगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपकी फर्स्ट डेट और लास्ट डेट यानी आज की डेट में एंटर कर देता हूँ, एंडिंग डेट 16 सितंबर 2021 और यहाँ पे भी 16 सितंबर मैंने एंटर कर दी है और यहाँ पे फ्लैट रेट आपने एंटर कर दी है। यहाँ पे रेट लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने पार्टी के लेजर में ही आपने उसका इंटरेस्ट कितना परसेंट आपको लगाना है वो आपने एंटर कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डे यानी एक वन ईयर में कितने डेज होते हैं 365 आपने एंटर कर दिए हैं। इसके बाद आपको करना है यहाँ से ओके। ओके आप जैसे ही करोगे तो दोस्तों आपने जो इसके अकाउंट में 12% ऐड किया था तो यहाँ पे इसका जो लेजर है इंटरेस्ट 12%, पार्टी का नाम राधिका जनरल और इसके जो चार बिल बने हुए हैं ड्यू डेट, इसके मैंने इसके अकाउंट में कोई ड्यू डेट एंटर नहीं कर रखी थी, यानी जो भी इसकी डेट है 15/4 और 15/4 ड्यू डेट और डेट इनवॉइस डेट दोनों एक है क्योंकि इसमें मैंने इसको कोई रिलीफ नहीं दिया था। जैसे इसकी क्रेडिट लिमिट जो होती है, जैसे मान लो 10 दिन की या 15 दिन की जो साइड देते हैं, वो मैंने इसमें बिल्कुल भी क्रेडिट डे की लिमिट नहीं दी थी, तो इसलिए यहाँ पे ड्यू डेट भी इसके बिल डेट के हिसाब से हैं। तो आप देख सकते हो कि अनक्लेयर्ड, अनक्लेयर्ड का मतलब आप जानते होंगे कि यहाँ पे इस पार्टी का ये जो बिल है इसका कोई पेमेंट नहीं हुआ है। अगर इसमें 20,000 जमा हो जाता तो 24,250 पे ही आपका इंटरेस्ट लगता। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसका डेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है 154 दिन और 78 डेज 63 डेज 50 डेज और इसका जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट 7,094 रुपये। तो आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं इसका जो हिसाब करना चाहता हूँ 31/8 तक का करना चाहता हूँ कि 31/8 तक का इसका इंटरेस्ट कितना हुआ है, तो आप देख सकते हो 5,475 रुपये है। इस तरीके से आपको रिपोर्ट निकाल लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको F4 आपको प्रेस करना है। F4 आप जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको आपकी सीरीज सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी सीरीज है जनरल वाउचर सीरीज में आपकी जो भी सीरीज चल रही है, जैसे मेरी मेन सीरीज चल रही है तो यहाँ पे मैंने मेन सेलेक्ट किया। इसके बाद कहाँ तक इस पार्टी का आप हिसाब करना चाहते हो, जैसे 31/8 डेट मैंने एंटर करी और यहाँ पे जो ऑप्शन है इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पे आपको एक नया अकाउंट आपको बनाना है। तो यहाँ से इस अकाउंट को मैं मॉडिफाई करके आपके लिए बता देता हूँ। अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे F3 आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप F3 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको नया अकाउंट आपको क्रिएट करना है। तो इसको मैं एक बार आपके लिए मॉडिफाई करके बता देता हूँ। अल्ट एम से आप मॉडिफाई कर सकते हो किसी भी अकाउंट को। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड का एक अकाउंट क्रिएट करना है और इसका ग्रुप क्या रहेगा, इनकम इनडायरेक्ट, ये आपको रखना है। इसके बाद कर देना है आपको सेव। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक जो ऑप्शन है क्रिएट बिल रेफरेंस, यानी आपकी जो इंटरेस्ट की जो अमाउंट आएगी आपके आउटस्टैंडिंग में तो उसका एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसको एन करते हो तो कोई रेफरेंस क्रिएट नहीं होगा, डायरेक्ट अमाउंट शो होगा। तो आप यहाँ पे रेफरेंस का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको वाई करना है। वाई करने के बाद इसकी जो नरेशन है, यानी आपने जो भी डेट फीड करी है 1/4/2021 से 31/8/2021 ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा। इसका जो भी नरेशन है इंटरेस्ट रिसीवेबल फॉर पीरियड 1/4/2021 31/8/2021 यहाँ पे परसेंटेज आपको एंटर करना है।
जैसे मैंने जो 12% लगा रखा था तो 12% मैंने एंटर किया, और इसके बाद कर देना है आपको ओके। ओके करने के बाद यहाँ से यस, यस करने के बाद इसकी एंट्री मैंने पहले पोस्ट कर दी थी तो ओवरराइट में कर देता हूँ, तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसके बाद मैंने कर दी इसको ओके। ओके करने के बाद अब आपको क्या देखने को आपको मिलेगा कि आप जैसे ही इस पार्टी का लेजर चेक करते हो, यानी अल्ट एल, इससे आप लेजर चेक कर सकते हो। राधिका, राधिका मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद जैसे मैं इसका लेजर चेक करता हूँ तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो लास्ट एंट्री 31/8 तक का आपने जो इसका हिसाब किया था, इसमें आपको इंटरेस्ट मिला है कितना, 5,475 रुपये आपने इस पार्टी की तरफ इंटरेस्ट ऐड किया है। तो टोटल इसका जो पहले का बैलेंस था 3,08,000 रुपये, लेकिन इंटरेस्ट ऐड करने के बाद इसका अमाउंट कितना हो गया, 3,13,475 रुपये। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। दूसरा, अगर आप इसकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करते हो तो किस तरीके से आपके सामने शो होगा, तो वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है, आउटस्टैंडिंग एनालाइज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो बिल रिसीवेबल का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। वन अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आउटस्टैंडिंग के बारे में, बिल बाय बिल आउटस्टैंडिंग के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो अपना जो चैनल है अकाउंट श्योर सॉल्यूशन, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे विजिट करके वीडियो को वॉच कर सकते हो। यहाँ से आपको वन अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे जो पार्टी है यानी राधिका जनरल, राधिका जनरल मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद जैसे मैं F2 करता हूं तो आप देख पा रहे हो कि यहां पे जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है यहां पे ऐड हो चुका है, और रेफरेंस जो आपने बनाया था वो भी आपके सामने से हो रहा है कि इंटरेस्ट 1/4 से 31/8/2021 का जो इंटरेस्ट है 5,475, और इसकी जो आउटस्टैंडिंग है 3,13,475। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हो, और पार्टी से जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो आप उनके लिए आउटस्टैंडिंग भेज सकते हो, या स्टेटमेंट के थ्रू आप उनके लिए आप भेज सकते हो, जिससे उनको भी पता रहे कि आप हमारी तरफ इतना इंटरेस्ट लगा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो, अगर पार्टी के लेजर में भी आप इंटरेस्ट नहीं ऐड करते हो, यानी राधिका जो पार्टी है इसके अंदर जो मैंने इसके अकाउंट में ऐड किया है 12%, अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं करते हो, इसको कर देता हूँ मैं 0। अब जैसे मैं इसका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में करता हूँ, मैंने वहाँ पे 12% एंटर किया था, यानी मैं 18% लगाना चाहता हूँ, यानी 1.5% के हिसाब से। तो इसकी एंट्री आपको किस तरीके से पोस्ट करनी है, अभी आपने इसके अकाउंट में जो परसेंटेज एंटर कर रखा था वो मैंने हटा दिया है, तो पहले ये जो एंट्री है इंटरेस्ट की वो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एंट्री को डिलीट करने के लिए F8 का उपयोग किया जाता है। जैसे आप इस एंट्री के अंदर से ही आप F8 प्रेस करोगे तो यहाँ से आपको इस वाउचर को डिलीट कर सकते हो। तो ये इंटरेस्ट की एंट्री मैंने हटा दी है। अब दूसरा जो तरीका है, यानी अगर पार्टी के अंदर भी आप इंटरेस्ट रेट नहीं डालते हो तब भी आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, वापस से आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आपको क्लिक करना है, बिल रिसीवेबल पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे वन अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है, आपको 31/8/31/8। अब दोस्तों क्या होगा, पहले आपने पार्टी के लेजर में एंटर कर रखा था इंटरेस्ट रेट, अब यहाँ पे आपको मैनुअल डालना पड़ेगा कि जैसे मैं 18% डालना चाहता हूँ, तो 18% जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 18%, लेकिन पहले मैंने इस पार्टी के अकाउंट में इंटरेस्ट रेट डाल रखा था इसलिए वहाँ से पिक हुआ था, लेकिन अब जो मैंने एंट्री में आपके लिए करके दिखा रहा हूँ इसमें मैंने मैनुअल ऐड किया है 18%। आप जितना भी परसेंट ऐड करना चाहते हो मैनुअल भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल आपको F4 प्रेस करना है, प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल आपको सेलेक्ट करना है, और इसके बाद यहाँ पे इसका जो भी इंटरेस्ट रेट है, पहले मैंने 12% किया था, अब यहाँ पे 18% कर दिया है, और यहाँ से जैसे आप ओके करोगे, ओके करने के बाद यहाँ से एंट्री आपको पोस्ट कर देनी है। तो इस तरीके से आप एंट्री पोस्ट कर सकते हो, मैनुअल तरीके से भी कर सकते हो, और ऑटोमेटिक इसके लेजर में जो आपने परसेंटेज एंटर कर रखा है उस हिसाब से भी आप कर सकते हो।
नेक्स्ट आपके लिए मैं ये बता दूं कि ये जो पेंडिंग बैलेंस है, अगर मैं इसमें दोस्तों अगर 20,000 रुपये जमा कर देता हूँ, यानी 15/4 को ये जो बिल बना था 44,250 रुपये का, लेकिन मैं 15/4 को ही मैं एक 20,000 रुपये की एंट्री कर देता हूँ 15/4, और यहाँ पे राधिका के नाम से 20,000 रुपये, और किस बैंक में आया है, SBI बैंक में। तो दोस्तों जैसे मैंने ये यहाँ पे एंट्री कर दिए 20,000 रुपये की, 20,000 की एंट्री करने के बाद यहाँ पे पहले 44,250 रुपये का बैलेंस था, अब यहाँ पे 24,250 हो गया है। तो ये भी आपको समझना है, जिस पार्टी की तरफ जितना आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस बाकी है उसी पे ही इंटरेस्ट लगेगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे अगर आपका कोई सा भी बिल है उसमें कोई पैसा जमा करा दिया है तो जितना पैसा बाकी है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को देख के आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।